हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुंदेला रिवोल्ट ऑफ 1842। लास्ट ईयर सेम इसी टॉपिक से दो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में। जब भी एमपीपीएससी को पेपर टफ करना होगा ना, तो वो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के एकदम कोर में घुस जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन निकालेगा। प्लस ये आपके एमपीपीएससी मेंस का भी सिलेबस में है। मेंस में पूरा हिस्ट्री है आपका 1947 तक मध्य प्रदेश की, तो बिल्कुल बुंदेला रिवोल्ट तो एक बहुत बड़ा इवेंट था मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। तो ये आपका 5 नंबर के भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्टली किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया कि मधुकर शाह के बारे में लिखिए। तो बुंदेला रिवोल्ट एक अच्छा खासा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बेहद डिटेल से पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। बुंदेला रिवोल्ट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेबेलियन बाय जमींदार एंड जागीरदार ऑफ बुंदेलखंड एंड महाकौशल रीजन। तो बुंदेला रिवोल्ट जो है एक तरह का आर्म्ड रेबेलियन है। इसको किया किसने है? जागीरदार और जमींदारों ने मूलतया, ठीक है, कुछ इसमें से राजा भी शामिल थे, लेकिन अधिकतर ये रिवोल्ट जो है जमींदार और जागीरदारों का ही रिवोल्ट है, क्योंकि उनके ही इंटरेस्ट जो है स्टेक पे लगे हुए थे। ये पूरे मध्य प्रदेश का रिवोल्ट नहीं है, इसकी जो बैटल फील्ड है वो है बुंदेलखंड और महाकौशल रीजन। महाकौशल में भी ये नरसिंहपुर, जबलपुर और कुछ पार्ट होशंगाबाद का। बुंदेलखंड में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर, दमो और कुछ पार्ट छतरपुर का। तो बुंदेला रिवोल्ट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ 1857 म्यूटिनी लेड बाय राजपूत, गोंड एंड लोधी रूलर्स एंड जागीरदार। राजपूत, गोंड एंड लोधी रूलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो बुंदेला रिवोल्ट की रणभूमि यानी बैटल फील्ड क्या थी? सागर और नर्मदा टेरिटरी, जो उस जमाने की सागर और नर्मदा टेरिटरी थी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था, वो थी बुंदेला रिवोल्ट की बैटल फील्ड। बुंदेला रिवोल्ट प्रिंसली स्टेट्स में नहीं हुआ, इंदौर, ग्वालियर में नहीं हुआ है, भोपाल स्टेट में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश का वो पार्ट जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, यानी कि सागर एंड नर्मदा टेरिटरी, वहाँ पे हुआ है बुंदेला रिवोल्ट। अब हर रिवोल्ट के क्या होते हैं? अपने नायक होते हैं। इस रिवोल्ट के भी अपने नायक थे, यानी कि लीडर्स। और ये लीडर कौन कौन थे? परीक्षित सिंह थे। परीक्षित सिंह जैतपुर, एक रियासत थी महोबा में, वहाँ के राजा थे। और ये परीक्षित सिंह किसके वंशज थे? राजा छत्रसाल। और राजा छत्रसाल के बारे में हम लोगों ने बुंदेला डायनेस्टी में पढ़ा है। उसके अलावा एक हृदय शाह थे, ये हीरापुर यानी कि नरसिंहपुर के राजा थे ये, या आप इनको जागीरदार कहिए, बोला जाता था राजा हृदय शाह, लेकिन ये असली में थे जागीरदार, ठीक है, ये जागीरदार थे नरसिंहपुर के। फिर उसके बाद मधुकर शाह, ये नारहट के थे। नारहट कहाँ पे है? सागर में। और फिर आ गए दिलहन शाह, ये मदनपुर के थे, मदनपुर यानी नरसिंहपुर। तो अगर आप देखें तो परीक्षित सिंह जो थे ये बुंदेला राजपूत थे, हृदय शाह ये कौन थे? ये लोधी थे, और मधुकर शाह ये भी राजपूत थे, और दिलहन शाह ये गोंड थे। तो गोंड, लोधी और राजपूत, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये रिवोल्ट हुआ था। तो नॉर्दर्न बुंदेलखंड का जो चार्ज है वो संभाला था परीक्षित सिंह ने, नॉर्दर्न बुंदेलखंड। जो सदर्न बुंदेलखंड था, मतलब ये नरसिंहपुर वाला और सदर्न जबलपुर वाला, होशंगाबाद वाला रीजन, ये संभाला था हृदय शाह ने, हृदय शाह और दिलहन शाह दोनों ने मिलकर। और जो सागर वाला क्षेत्र था, सागर जिले वाला क्षेत्र यानी कि मिडिल बुंदेलखंड, ये संभाला मधुकर शाह ने। तो इस तरह इनके अपने अपने एरियाज डिवाइड थे। यहाँ ये लोग अपने अपने एरियाज में रिवोल्ट कर रहे थे बाकी लैंडलॉर्ड्स के साथ, बाकी जागीरदारों के साथ, बाकी अपने अपने चीफ को मिला लिया इन्होंने, ज़मींदारों को मिला लिया और रिवोल्ट करना चालू कर दिए। अब क्या होता है कि किसी भी रिवोल्ट में एक ट्रेटर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैटल ऑफ तराइन सुना होगा, तो उसमें ट्रेटर यानी कि धोखेबाज कौन था? जयचंद, ठीक है। आपने बैटल ऑफ प्लासी सुना होगा, तो मीर जाफर। तो हर बैटल में, कितनी किसी भी बड़े रिवोल्ट में, कोई ना कोई विद्रोह कर जाता है, कोई ना कोई धोखेबाजी कर जाता है। तो इसमें भी धोखेबाजी हुई, और धोखेबाजी की गई बखत बली के द्वारा। ये शाहगढ़ के राजा थे, इन्होंने हृदय शाह को पकड़वा दिया अंग्रेज़ों से। और कौन धोखेबाज था? मर्दन सिंह, बानपुर। ये बानपुर मतलब मुरैना वाला रीजन, ठीक है। मर्दन सिंह ने धोखेबाजी की मधुकर शाह से। और जो परीक्षित सिंह थे जैतपुर के, जो ये वाकई में जो लीडर थे इस पूरे रिवोल्ट के, जिनके छत्र छाया में ये पूरा रिवोल्ट हो रहा था, उनके साथ धोखेबाजी की राजा रतन सिंह ने। ये चरखारी के राजा थे, महोबा में ही एक जगह है चरखारी, वहाँ के ये
राजा थे और परीक्षित सिंह के सगे भतीजे थे, तो अपने चाचा को ही पकड़वा दिया इन्होंने अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो बुंदेला रिवोल्ट की कहानी बस इतनी ही है। कैरेक्टर्स इस कहानी में उतने ही हैं जितने आपके सामने इस समय मौजूद हैं। तो ये अगर आपने रे डायग्राम ढंग से समझ लिया तो बुंदेला रिवोल्ट आपके टिप पे होगा। यहाँ पे नाम इम्पॉर्टेंट है, हृदय शाह, मधुकर शाह, दिलहन शाह, बखत बली और मर्दन सिंह, इनका रोल आएगा 1857 में। यहाँ पे बखत बली और मर्दन सिंह ट्रेटर है, लेकिन 1857 में ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही लड़ाई करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे क्यों। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे सागर एंड नर्मदा टेरिटरी में ये सारा रिवोल्ट हुआ। तो सागर एंड नर्मदा टेरिटरी के बारे में हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वो जो फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश वाला लेक्चर था, प्लस नेशनल मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वाला जो लेक्चर हम लोग ने अपलोड किया है, उन सब में अच्छे से बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सागर एंड नर्मदा टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ब्रिटिश इंडिया मतलब क्या होता है, जैसे आज की डेट में इंडिया है ना, यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। वहाँ के कलेक्टर होते थे, तहसीलदार होते थे, पटवारी होते थे, दरोगा होते थे। उसके अलावा एक होता था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजशाही, राजा हुआ करते थे, उनके मंत्री, सेनापति, ये वाला सिस्टम था। जैसे भोपाल स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, ये जो जैतपुर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बुंदेलखंड में, वो एक प्रिंसली स्टेट है। इंदौर, सिंधियाओं का ग्वालियर, ये सारे प्रिंसली स्टेट हैं। तो ये सागर एंड नर्मदा टेरिटरी मतलब दमोह, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर। उस समय जबलपुर बहुत बड़ा हुआ करता था और नरसिंहपुर में जो है होशंगाबाद वाला एरिया भी आ गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें ब्रिटिश इंडिया थी, यहाँ पे पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम, वहाँ का जुडिशियल सिस्टम, जैसे आज की डेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वैसा ही कुछ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी था। मतलब राजा महाराजा नहीं होते थे यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे। तो क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1818 में। एंग्लो मराठा वॉर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सिंधिया डायनेस्टी वाला लेक्चर देख सकते हैं, भोपाल स्टेट वाला लेक्चर देख सकते हैं। इन सब के लिंक दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप देखेंगे आप क्लिक कर लीजिए। तो 1818 में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें मराठा बुरी तरीके से हार गए। मराठाओं को अपनी टेरिटरीज़ ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी। ये जो सागर और जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो पहले मराठाओं का था, इनको सीड करना पड़ी अपनी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो सीडेड बाई पेशवा। जो नॉर्दर्न पोर्शन है सागर वाला जो क्षेत्र है वो पेशवाओं के कब्ज़े में था, तो इसको ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। और जो सदर्न पोर्शन है, यानी नरसिंहपुर वाला पोर्शन और ये जबलपुर वाला पोर्शन, ये भोसले रूलर्स के पास था, भोसले रूलर्स ऑफ नागपुर। तो एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार गए, अपनी टेरिटरीज़ जो है ब्रिटिशर्स को दे दिए, ब्रिटिशर्स ने वो टेरिटरीज़ पकड़ी और उसको ब्रिटिश इंडिया में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो बस यही कहानी है एक तरह से, जो मोटा मोटा हिस्ट्री है वो सागर एंड नर्मदा टेरिटरी की, वो इतनी है। तो अब ये जो सागर एंड नर्मदा टेरिटरी है वो दिखने में कैसी थी, तो कुछ इस प्रकार से इसका मैप है। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये जो अगर आपको दिख रहा हो तो ये हीरापुर है, जहाँ के जागीरदार थे हृदय शाह। ठीक है, और ये है जैतपुर, जहाँ के परीक्षित सिंह बुंदेला रूलर है ना। और अगर आपको दिख रहा हो, मालूम नहीं, आप जूम करके देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मैप का और जूम करते रहिएगा, ये नरहट है, नरहट जहाँ के मधुकर शाह थे। थोड़ा और जूम कर दिया अगर सब शायद दिख रहा हो तो बहरहाल इस मैप को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए अपने पास। ये उस ज़माने का 1840 का मैप है कि उस समय बुंदेलखंड या सागर एंड नर्मदा टेरिटरी या मध्य प्रदेश का वो पार्ट जो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था वो कैसा दिखता था। तो आगे चलते हैं, कॉजेज़ क्या थे बुंदेला रिवोल्ट के कारण। तो अगर आपको एक पॉइंट याद रखना है तो वो है डिस्ट्रेस ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स बहुत नाखुश थे ब्रिटिशर्स से। क्यों नाखुश थे? जमींदारी वेयर नो मोर अ हेरिडिटरी राइट्स क्रिएटिंग रीसेंटमेंट अमंग लैंडलॉर्ड्स। उस समय क्या हुआ था कि जमींदारी जो है हेरिडिटरी राइट्स नहीं थी। अगर कोई ज़मींदार है, ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़मीन उसके बेटे को ही मिल जाए। जो उस समय ज़मीन के केयर टेकर्स थे उनकी भी अनुमति लेनी ज़रूरी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़के के चाचा, लड़के की माँ, जो भी केयर टेकर्स होते थे उनकी अनुमति लेनी ज़रूरी थी हेरिडिटरी राइट्स सौंपने के लिए। तो इससे ज़मींदार जो है नाखुश थे। फिर द पावर टू डिलीवर लोकल जजमेंट वॉज ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम जमींदार्स।
ओवर द टाइम द कलेक्ट्रेट इमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी सीवियरली रिस्ट्रिक्टिंग वॉट द जमींदार कुड डू। शुरुआत में क्या होता था, पुराने ज़माने में अगर हम लोग मध्यकाल की बात करें तो जमींदार के पास सारे लोकल पावर होते थे, उसके पास अपनी फ़ौज भी होती थी छोटी मोटी, और लोगों को पनिश करना और सारे जो है जुडिशियल काम करना वो भी ज़मींदार ही करता था। लेकिन अब क्या हो गया था कि कलेक्ट्रेट सिस्टम आ गया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में तो कलेक्ट्रेट सिस्टम था, अपना रेवेन्यू सिस्टम था, तो ज़मींदार की जो लोकल पावर है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तीसरा क्या चल रहा था उस टाइम, एंग्लो अफगान वॉर चल रहा था। एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 42 तक चला, वो उस समय चल रहा था। जब भी वॉर चलते हैं तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वॉर में खर्चा बहुत होता है, तो इस खर्चे को कंपनसेट कैसे करेंगे, ज़्यादा टैक्स लगा लगा के। तो वही तीसरा पॉइंट लिखा है कि एंग्लो अफगान वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड वॉर एक्सपेंसेस वॉज बींग फिनेंस्ड बाई अनप्रेसिडेंटेड टैक्स हाइक, टैक्स बढ़ा दिए एकदम से ताकि वॉर को फिनेंस कर सकें। चौथा पॉइंट, जमींदार्स वेयर हैरेस्ड टू पे हाई लैंड रेवेन्यू ऑन ड्यू डेट, फेलियर टू विच रिजल्टेड इन कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर लैंड। जमींदारों का एक सनसेट क्लॉज हुआ करता था कि अगर आप इस समय तक इतने अमाउंट का आपने लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया तो आपकी ज़मीन छिन जाएगी और फिर वो ज़मीन किसी और को बेच दी जाएगी, तो ज़मींदार की हालत बड़ी पतली थी उस टाइम पे। पांचवा, ट्रीटीज़ बाई कंपनी हैड रिड्यूस पोजीशन ऑफ अ रूलर टू अ मियर पपेट। जो उस समय सब्सिडियरी अलायंस वगैरह हो रहे थे, अब ये रूलर्स की क्या दिक्कत थी वो बता रहा हूँ, अभी तक तो ज़मींदार की प्रॉब्लम बता दी है। तो जो सब्सिडियरी अलायंस वगैरह होते थे उसमें रूलर्स के पास कोई ताकत नहीं होती थी, रूलर एक पपेट की तरह रह जाता था, बस नाम का राजा रहता था, ना तो वो अपनी कोई सेना रख सकता है, ना तो कोई उसका फॉरेन रिलेशन होता था, ना तो वो किसी के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। तो रूलर्स भी बड़े नाखुश थे इस तरह की अलायंस से, ठीक है। तो ये सारे थे डिस्ट्रेस के कारण। अब उस समय का ज़मींदारी सिस्टम समझ लेते हैं बिल्कुल संक्षेप में, हालांकि ज़मींदारी सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि रैयतवारी क्या है, महलवारी क्या है, परमानेंट सेटलमेंट किसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मींदार के ज़मीन में किसान काम करता, उगाता है फसल, जब किसान अपनी फसल बेच लेता है तो ज़मींदार आ जाता है टैक्स कलेक्ट करने, ठीक है, और ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करेगा ही क्योंकि जिस ज़मीन पे ये किसान काम कर रहा है वो ज़मीन ज़मींदार की ही है। जब ज़मींदार एक टैक्स कलेक्ट कर लेता है कुछ हद तक, तो उस टैक्स में अपना हिस्सा मांगने आ जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ज़मींदार ने किससे टैक्स कलेक्ट किया, किसान से, और ज़मींदार किसको टैक्स देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है ज़मींदार से कि मुझे 100 रुपये टैक्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये, तो ज़मींदार किसान से कितने रुपए लेगा, कम से कम 150 रुपये लेगा, ऊपर 100 रुपये दे देगा और ख़ुद के लिए 50 रुपये रखेगा। तो अगर टैक्स बढ़ाते चले जाएंगे तो दिक्कत किसके ऊपर आएगी, किसान के ऊपर, और कुछ हद तक दिक्कत ज़मींदार पे भी आएगी कि अगर उतना टैक्स नहीं वसूल पाया किसान से तो ज़मींदार को ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा उस टाइम का सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम। तो अब इस रिवोल्ट की शुरुआत कैसे हुई ये देख लेते हैं। 1835 में क्या हुआ कि बुढ़वा मंगल, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये आज भी मनाया जाता है, भाद्रपद के महीने में होता है बुढ़वा मंगल। इस टाइम पे बजरंग बली की पूजा होती है। तो ये काशी में यानी बनारस में, उस समय के बनारस के राजा थे ईश्वरी नारायण सिंह, इन्होंने बुढ़वा मंगल का फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करना चाहा और आसपास के राजाओं को बुलाया, ठीक है। तो अवध के राजा आए हुए थे, बुंदेलखंड के भी दो राजा थे, दोनों जो है महोबा, आज की डेट में महोबा जिला है, वहाँ पे जैतपुर एक रियासत होती थी, वहाँ के परीक्षित सिंह राजा थे, और दूसरे राजा थे चरखारी के रतन सिंह, जैसा कि मैंने बताया इन्हीं के भतीजे थे। तो इन दोनों को भी बुलाया गया था बुढ़वा मंगल पे, और ये सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने कैसे इनकी ज़िंदगी हराम कर रखी। अलग अलग राजा महाराजा थे, अब कोई अवध का राजा था, कोई कहीं का था, कोई छोटी छोटी रियासतों से आया था, कई बड़े जागीरदार भी थे। तो ये सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने कैसे इनकी हालत ख़राब कर रखी है और कैसे ये अंग्रेज़ों के प्रति कोई विरोध करें, विद्रोह करें और अंग्रेज़ों को और ख़ासकर ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बुंदेला राजा थे उन्होंने सोचा कि हम अगले वर्ष बुढ़वा मंगल बुंदेलखंड में आयोजित करेंगे। तो 1836 में
चरखारी बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ, चरखारी में हुआ, वही रतन सिंह की रियासत में, और वहाँ पे बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई गई और अलग अलग जो है ज़मींदारों को, जागीरदारों को और चीफ को, लैंडलॉर्ड्स को बुलाया गया और एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई कि कंपनी के रूल को कैसे अपरूट करना है। ठीक है, अब ये सब छोटे मोटी चीज़ें होती गई, कुछ कुछ चलता रहा। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा कोई विरोध कर देता, कभी कोई किसी को मार देता, ये सब चीज़ें चलती रहीं। इमीडिएट कॉज क्या बना बुंदेला रिवोल्ट का? तो इमीडिएट कॉज ये बना कि अ डिक्री वॉज पास्ड इन सागर सिविल कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ जागीर ऑफ मधुकर शाह एंड दिस वॉज द मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि कई बार मैंने बताया कि मधुकर शाह जो है नरहट के जो है जागीरदार थे, इनकी जागीर जब्त हो गई क्योंकि ये उस लेवल का टैक्स नहीं दे पाए जो उनसे डिमांड किया गया, और इनकी ज़मीन हो गई जब्त। इनका अपना क्षेत्र में बहुत अच्छा रुतबा था, तो जैसे ही इनकी ज़मीनें जब्त हुई और इनकी जागीरदारी राइट जो है, ज़मींदारी राइट इनसे छीन ली गई, तो लोग विद्रोह मचाने लगे। और जब विद्रोह मचाने लगे तो इसी विद्रोह में कई ब्रिटिशर्स को, बुंदेला चीफ्स के जो सबॉर्डिनेट थे उन्होंने कई ब्रिटिशर्स को मार दिया। और जब मार दिया तो ये निकला मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई, बुंदेला चीफ्स एक तरफ, ब्रिटिशर्स एक तरफ। तो जब मधुकर शाह की ज़मीन छीनी गई तो वो सारे बुंदेला चीफ यानी ज़मींदार, जिनकी जिनकी ज़मीनें एक छिन चुकी हैं क्योंकि उन्होंने एक उचित लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया ब्रिटिश सरकार को, वो सब एक हो गए और वो सब रेवेलियन में कूद पड़े। प्लस मधुकर शाह जो है वो खुद एक बुंदेल जागीरदार थे। देखिए, मैंने जागीरदार को और राजा को जो है इंटरचेंजेबली यूज़ किया है इस लेक्चर में। जागीरदार जो होते थे वो आप समझ लीजिए कि वो पुराने ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो राजाओं के मनसब होते थे, मनसबदार होते थे। इनके पास अपनी जागीर होती थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, और इनके अंडर बहुत सारे ज़मींदार, छोटे छोटे ज़मींदार काम करते थे। तो ये पूरे के पूरे जागीर के मालिक ही होते थे, इसलिए इनको बहुत जगह राजा लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह जो है जागीरदार लिखा हुआ मिलेगा। तो मधुकर शाह एक्चुअली जागीरदार थे, लेकिन उनकी जागीर जो है नरहट इतना बड़ा क्षेत्र था कि वो सबको सर्वे सर्वा थे, और जब उन्हीं की जागीरदारी राइट छीन ली गई कि अब आप जागीरदार नहीं रहे आज के बाद से, तो उनके नीचे के जितने भी जो बुंदेला चीफ हैं, जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं, वो सब रिवोल्ट करने लग गए। अब ये आलम तो सागर का था, सागर से थोड़ा नीचे पहुँच जाए नरसिंहपुर जबलपुर तरफ, तो नरसिंहपुर के एक लोधी जागीरदार थे हृदय शाह। अब यहाँ पे लिखा गया है हृदय शाह ऑफ हीरापुरा लोधी राजा ऑर्गेनाइज और लोधी चीफ ऑफ सदर्न बुंदेलखंड। अब यहाँ पे लोधी राजा लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उनका वर्चस्व इतना होता था कि वो अपने क्षेत्र के लिए राजा ही थे। अब जैसे सिंधिया हो गए, तो सिंधिया राजा थोड़ी ना थे, वो तो पेशवा के अंडर थे ना, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के तो राजा है ना वो। तो हृदय शाह क्या होते थे कि बहुत बड़े जागीरदार थे हीरापुर के, और जागीरदार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने का जागीरदार की अपनी कम्युनिटी पर पूरा दबदबा होता था, मतलब इनके एक इशारे पर जो है जितने भी लोधी होते थे वो मरने मारने को तैयार हो गए थे। तो ही ऑर्गेनाइज्ड लोकल लोधी चीफ ऑफ सदर्न बुंदेलखंड, जितने भी लोधी चीफ थे वो इनके कहने पर एकत्रित हो गए। उसके बाद आते हैं दिलहन शाह, द गोंड ठाकुर ऑफ मदनपुर। मदनपुर नरसिंहपुर में ही एक चावरपाठा तहसील है, वहाँ का एक गांव है मदनपुर, ये भी नरसिंहपुर में ही आता है। तो बिहाइंड होम मोस्ट ऑफ द अदर गोंड लैंडलॉर्ड्स रैलीड टुक द चार्ज ऑफ नरसिंहपुर एंड होशंगाबाद रीजन। जितने भी गोंड ठाकुर थे, जितने भी गोंड ज़मींदार थे, जितने भी गोंड चीफ थे, ये दिलहन शाह की आवाज़ पर एकत्रित हो गए और इन्होंने होशंगाबाद और सदर्न नरसिंहपुर वाला चार्ज संभाल लिया। ठीक है, मधुकर शाह जो नरहट के थे और उसके भाई गणेश जू, गणेश जूदेव पूरा ऐसा नाम था, तो गणेश जू बोला जाता है, दे टुक द चार्ज ऑफ सागर रीजन। ठीक है, ये सागर रीजन तो इनके पास था ही, प्लस छतरपुर का भी कुछ पोर्शन का चार्ज इन्होंने संभाला हुआ था। तो इस तरीके से जो है पूरा रणभूमि थी। अब कोर्स ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट का पूरा कोर्स कैसे चला, क्या क्या हुआ रिवोल्ट के अंदर। तो जो रेबल थे वो क्या करते थे कि शहरों के स्ट्रेटेजिक पॉइंट को कैप्चर कर लेते थे, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफिसेज हो गए। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसेज हो गए, पुलिस चौकी हो गई, उनको कैप्चर कर लिया और ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकाल फेंका। तो यही लिखा हुआ है, रेबल स्टार्टेड कैप्चरिंग स्ट्रेटेजिक पॉइंट इन सिटीज़ लाइक दमोह, जबलपुर एंड नरसिंहपुर एंड आउटसाइड ब्रिटिशर्स फ्रॉम दीज रीजन। अ प्राइज्ड मनी वॉज अनाउंस्ड ऑन मधुकर शाह ऑफ नारहट
इन रिटेलिएशन टू विच ही रिजॉर्टेड टू गोरिल्ला वॉरफेयर। अब जो मधुकर शाह थे, जो नारहट के जागीरदार थे, जिनको उनकी जागीरदारी समाप्त कर दी गई थी और उनको निकाल फेंका गया था, तो वो क्या किए, गोरिल्ला वॉरफेयर अपना लिया उन्होंने, छापामार युद्ध प्रणाली करने लगे। जागीरदारी तो वैसे भी नहीं बची थी, प्लस इनके ऊपर एक इनाम रख दिया गया था। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये इनाम लगभग 5,000 रुपये का रखा गया था कि जो इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम है। और 1840 के 5,000 रुपये, मतलब आज के करोड़ों रुपये हैं वो, तो इतना बड़ा इनाम इनके ऊपर रखा गया था। तो ये जंगलों में छुपकर, अब सागर में उस टाइम जंगल भी बहुत सारे थे, तो जंगलों में छुपकर ये छापामारी युद्ध करने लगे और ब्रिटिशर्स को, कई सारे ब्रिटिशर्स को इन्होंने मार फेंका। उसके बाद क्या है, दे स्टार्टेड रेडिंग विलेजेस एंड बर्निंग ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ये रेवेन्यू ऑफिसेज को टारगेट करते थे हमेशा, जहाँ पे इनके बही खाता और ये सारी चीज़ें लिखी रहती थी, ज़मीन से जुड़े कागजात जहाँ पे होते थे, उनको अटैक करने लगे। ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स को मारते थे, रेवेन्यू ऑफिसेज जला दिया इन्होंने, ठीक है। माल गुजार्स वेयर आज नॉट टू पे रेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। माल गुजार मतलब जो वो फार्मर जो रेंट देते हैं, रेंट पेइंग फार्मर्स। अच्छा, कई सारे फार्मर्स भी बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, कई सारे फार्मर ऐसे होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है, ठीक है। तो कई सारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी होते हैं कि मैं पैसे देकर काम करवा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो वो तो दिहाड़ी पे काम करते हैं। कई ऐसे फार्मर होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है, छोटे फार्मर होते हैं लेकिन खुद की ज़मीन होती है। तो ये माल गुजार्स वेयर आज नॉट टू पे रेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, या ब्रिटिश ऑफिसर्स को रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अनाउंस की गई अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मंचों से। तो ये सारी चीज़ें जो है रिवोल्ट के दौरान चल रही थी। अब ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को कुचलने के लिए, क्वेल करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए, वो ज़रा देख लेते हैं। चार्ल्स फ्रेजर, जो एजेंट टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ सागर एंड नर्मदा टेरिटरी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के एजेंट थे सागर एंड नर्मदा टेरिटरी के, और चार्ल्स फ्रेजर एक एक ज़मींदार और जागीरदार की नस नस से वाकिफ था। इन्होंने क्या किया कि शाहगढ़ एक रीजन है सागर में, वहाँ के जागीरदार बखत बली को पकड़ा और बखत बली को हृदय शाह के अगेंस्ट पिट कर दिया। हृदय शाह को पकड़वाने में बखत बली का पूरा योगदान है। अब बखत बली को किस तरह से ल्योर किया गया, किस तरह से उनको झांसे में लाया गया, तो बखत बली साहब से ये बोला गया कि आपका जो रीजन है गढ़ा कोटा, जो सागर में ही है, जो पहले आपकी ही जागीर हुआ करती थी, आज की डेट में वो सिंधियाज की जागीर है, हम आपको वो वापस दिलवा देंगे अगर आप बुंदेला रिवोल्ट को ख़त्म करने में हमारी सहायता करो तो। बखत बली जो है जागीरदार थे शाहगढ़ रीजन के, शाहगढ़ जागीर से एक और जागीर जुड़ी हुई थी गढ़ा कोटा की, गढ़ा कोटा बहुत पहले ही सिंधिया रूलर्स ने ले ली थी। तो ब्रिटिशर्स ने झांसा दे दिया कि आप बुंदेला रिवोल्ट ख़त्म करवाइए और हम आपको वो सारी जागीर जो है, जो सिंधिया आपसे हड़प लिए हैं, वो जागीर हम आपको वापस दिलवा देंगे। और बल्कि ब्रिटिशर्स ने अपना वचनबद्ध नहीं रहे, वो अपनी बात से मुकर गए, बाद में उन्होंने जागीर भी नहीं दिलवाई। और यही रीज़न है कि बखत वली जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे और रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी देंगे। तो हृदय शाह का तो गेम ओवर हो चुका था, ये पकड़े जा चुके थे। अब आगे चलते हैं। नाउ ब्रिटिशर्स मेड मर्दन सिंह जागीरदार ऑफ बाणपुर अ टर्नकोट। टर्नकोट मतलब होता पाला बदल लेना। एंड प्रोमिस्ड हिम चंदेरी रीजन फ्रॉम सिंधिया विच वॉज एंसेस्ट्रल बेस्टियन ऑफ मर्दन सिंह। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेस्ट ऑफ मधुकर शाह। तो अब हृदय शाह तो पकड़े गया, मधुकर शाह कैसे पकड़े जाएंगे? जो मर्दन सिंह था जागीरदार ऑफ बाणपुर, बाणपुर जागीर का पूरा नाम था, हुआ करता था चंदेरी बाणपुर। जो चंदेरी वाला रीजन है ना, वो सिंधियाज ने कैप्चर कर लिया था। तो इनको भी वही झांसा दिया गया जो बखत बली को दिया गया कि आप बुंदेला रिवोल्ट को ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए, हम आपको चंदेरी रीजन वापस दे देंगे। और मर्दन सिंह जो है मान गए, हालांकि ये वादा इनके साथ भी पूरा नहीं हुआ, इनको भी कोई चंदेरी रीजन नहीं मिला बुंदेला रिवोल्ट के बाद भी। मधुकर शाह की बहन जो है बाणपुर में ब्याही थी और ये अपनी बहन से मिलने गए थे मधुकर शाह। तो बाणपुर के जो उस समय जागीरदार थे मर्दन सिंह, इन्होंने तुरंत ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये इत्तला कर दी। ब्रिटिशर्स वहाँ पे पहुँच गए और मधुकर शाह को बंदी बना लिया। तो ये थी पूरी कहानी। और मधुकर सिंह को सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको फांसी की सज़ा हुई। सागर जेल में इन्हें फांसी दी गई। अब चलते हैं परीक्षा सिंह के पास।
मधुकर शाह हिरासत में ले लिए गए, हृदय शाह हिरासत में ले लिए गए। अब जो ये पूरे बुंदेला रिवोल्ट को संचालित कर रहे हैं परीक्षित सिंह, इनके साथ धोखा किया इन्हीं के भतीजे रतन सिंह ने, ठीक है। उस समय जो मेजर स्लीमैन थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल बुंदेलखंड के, उन्होंने रतन सिंह को ब्राइब किया कि भाई आपका जो सल्तनत है वो सलामत रहेगी, आपका जो राज्य है उसको कोई नहीं हड़पेगा, आप तो परीक्षित सिंह को पकड़ने में हमारी हेल्प कीजिए। इन्होंने परीक्षित सिंह के सारे वेयर अबाउट्स कि वो इस समय कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे, प्लस बुंदेला रिवोल्ट का पूरा प्लान और स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को बता दिया। तो अब परीक्षित सिंह के पास कोई और कारण ही नहीं था, वो जैतपुर से भाग गए। एक आध साल वो जंगलों में रहे। बाद में ओरछा की एक रानी थी, लड़ाई सरकार, लड़ाई नाम था उनका, लड़ाई सरकार, उन्होंने परीक्षित सिंह की वेयर अबाउट्स जो है, उनके जो भी इन्फॉर्मेशन है कि वो इस समय कहाँ है, ये सूचना जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स को दे दी और फिर बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब आते हैं दिलहन शाह पर। तो जो गोंड रेबल थे एंड ठाकुर ऑफ मदनपुर गेव अप द स्ट्रगल इन एक्सचेंज ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि आपकी जान सलामत रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी सलामत रहेगी, आप बुंदेला रिवोल्ट छोड़ दीजिए। गोंड रेबल्स को ये कहा गया, गोंड रेबल जो है शांत हो गए और फिर दिलहन शाह जो है बहुत आसानी से पकड़े गए, क्योंकि उसके बाद वो कुछ खास कर नहीं सकते थे जब बाकी उनके जो लोकल चीफ्स हैं वही जब शांत हो जाएं। तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने पूरे रिवोल्ट को जो है एक एक करके क्रमवार तरीके से क्रश कर दिया। बट ये सिर्फ एक प्रीकर्सर था। 1842 में बुंदेला रिवोल्ट हुआ, इसके 15 साल बाद 1857 में एक तूफान आने वाला था। अभी सिर्फ ज़मींदार खड़े हुए हैं, उस समय समाज का हर वर्ग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा 1857 में। बट दिक्कत बस इस बात की थी कि वो सब लोग एक साथ संगठित नहीं थे। बुंदेला रिवोल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। 1857 वॉज गोइंग हे वाया, कुछ भी हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये था बुंदेला रिवोल्ट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमको बल मिलता है और हम लोग बेहतर लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।